दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी सुमिटोमो कंपनी के डेनिटोल इंसेक्टिसाइड के बारे में। इसमें टेक्निकल कंटेंट क्या आता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, कौन कौन सी फसलों में कौन कौन से इंसेक्ट को ये कंट्रोल करता है, प्राइस क्या है, परफेक्ट डोज कॉम्बिनेशन और साथ ही क्या क्या सावधानियां ध्यान में रखना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सुमिटोमो कंपनी के डेनिटोल इंसेक्टिसाइड में टेक्निकल कंटेंट आता है फेनप्रोपैथ्रिन 10% ईसी फॉर्म में ये आता है। इसके मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टेक्ट प्लस इंजेशन एक्शन इसमें आता है। इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम पे अटैक करके इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। फसलों की बात की जाए तो कपास, धान, मिर्च, टमाटर, बैंगन, मटर यानी कि सभी प्रकार की फसलों में, सब्जी वर्गीय फसलों में, बागवानी में अगर कोई भी फ्रूट्स प्लांट्स है उन पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही फूलों की खेती में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों सभी प्रकार की फसलों और पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये स्पेशली धान और कपास के लिए है, कपास में स्पेशली गुलाबी सुंडी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंसेक्ट की बात की जाए तो जितने भी बॉल वॉर्म्स हैं, आर्मी वॉर्म, पिंक वॉर्म, लीफ वॉर्म, इनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ ही गोभी में कीड़े की समस्या बहुत ज्यादा आता है, जैसे कि पत्ता गोभी में भी आती है, अंदर ही अंदर कीड़ा लग जाता है, लट लग जाती है, और फूल गोभी में भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो पत्ता गोभी, फूल गोभी में किसी भी प्रकार की अगर लट का प्रकोप है तो आप जरूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही एफिड्स, जैसिड्स, स्पाइडर माइट्स का भी बहुत ज़्यादा अटैक होता है फसलों में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेम बोरर है, थ्रिप्स है, डायमंड बैक मोथ है, इस तरीके से बहुत सारे इंसेक्ट को ये कंट्रोल करता है। प्राइस वाइज दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉस्टली ये नहीं आता है। 250 ml की बोतल पे MRP आती है 300 रुपये और लगभग इतने में ही ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो किसानों के लिए इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है डेनिटोल इंसेक्टिसाइड। इसकी परफेक्ट डोज होती है 1 ml से 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे करना होता है। यानी कि दोस्तों अगर आपकी क्रॉप छोटी है या फिर जैसे मिर्च है, टमाटर है, या फिर इंसेक्ट का प्रकोप बहुत कम है, या आप प्रिवेंटिव स्प्रे करना चाह रहे हैं, इंसेक्ट का प्रकोप नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि आने वाला समय या मौसम खराब है कि इंसेक्ट का प्रकोप हो सकता है, इस तरीके से अगर आप प्रिवेंटिव पहले से ही स्प्रे करना चाह रहे हैं इसका, तो आपको 1 ml पर लीटर के हिसाब से ही घोल तैयार करके स्प्रे कर देना है। लेकिन अगर इंसेक्ट का प्रकोप है या फिर आप कपास में यूज करना चाह रहे हैं या फिर आप धान में इस्तेमाल इसका करना चाह रहे हैं, तो आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए 250 ml से 400 ml तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो सभी प्रकार के इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड या फिर टॉनिक के साथ में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन कॉपर बेस्ड जितने भी फंगिसाइड आते हैं इनके साथ में आपको नहीं मिलाना है, सल्फर बेस्ड फंगिसाइड के साथ में भी आपको नहीं मिलाना है, और साथ ही ह्यूमिक एसिड के साथ में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन दोस्तों विशेष सावधानी आप जरूर ध्यान रखें, एक क्रॉप में ज्यादा से ज्यादा आप 2 बार ही इसका इस्तेमाल करें, नहीं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। कोशिश कीजिए कि अगर इंसेक्ट का प्रकोप होता है तो चेंज कर करके ही आप हर बार अलग अलग इंसेक्टिसाइड यूज करें, लेकिन केवल इसी को अगर आप बार बार यूज करना चाह रहे हैं तो 2 बार से ज्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही हार्वेस्टिंग के कम 15 दिन पहले ही आप इसका इस्तेमाल करें, यानी कि इसके स्प्रे के बाद में 15 दिन तक आपको हार्वेस्ट नहीं करनी चाहिए कोई भी क्रॉप। थर्ड सावधानी कि इसका स्प्रे या कोई भी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का आप स्प्रे करते हैं तो तेज धूप के समय स्प्रे नहीं करना चाहिए, मॉर्निंग या इवनिंग के समय ही स्प्रे करना चाहिए। इसका रिजल्ट टाइम होता है 10 से 15 दिन तक। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।